हम लोग अगर इतने सारे शिक्षित होने के बाद भी सर्टिफिकेट इतने सारे जमा करके रखेंगे, उस सर्टिफिकेट का अगर हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, उसमें हम लोग मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग अपना सर्टिफिकेट जला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और झारखंड में इस वक्त राजनीति के अलावा और भी काफ़ी चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद राज्य के मुख्यमंत्री ये बात भूल चुके हैं। तभी तो अभी पूरे राज्य भर में देखा जा रहा है कि केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही चर्चा हो रही है। लेकिन इससे अलग मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अब राज्य में शिक्षा नीति भी ज़रूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि लगातार राज्य के अलग अलग इलाकों से आए हुए युवा अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर आ गए हैं, और मंत्रियों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों की बात करें तो उनके घर के बाहर इसी तरीके से सभी युवाओं का तांता लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है। और आपको बता दें कि मेरे साथ ये जितने भी लोग हैं ये सभी प्रशिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित युवा है जो आगे चलकर भविष्य में राज्य के शिक्षक बनेंगे। इनमें से कई लोगों ने बीएड किया है, कई लोग डीएलएड किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी मांग है कि राज्य में सीटेट को मान्यता दे दी जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी 22 वर्ष हो गए हैं राज्य को, और ऐसे में 22 वर्षों में झारखंड में केवल 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है, और उसके बाद अब इनकी मांग है कि यहाँ पर सीटेट को क्वालिफाई किया जाए। चलिए आगे की जानकारी इनसे ही लेते हैं, क्योंकि ये लोग अभी आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर आए हुए हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ मांगे हैं इनकी। आप लोग भावी शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इतनी परेशानियाँ आ रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं? मैडम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें मंच प्रदान किया। भावी शिक्षक बनने की तमाम योग्यताएं हम लोग रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार जो कि नीति निर्धारण के लिए प्राधिकृत है, इस प्रकार की नीतियां बना रही हैं कि युवाओं को पढ़ाई लिखाई के कार्य से हटकर आंदोलन के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। अभी जो हम लोग आए हुए हैं, हम लोग अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के छात्र हैं, और हम लोग सीटेट पास हैं। हम लोगों ने बीएड किया हुआ है, हमारे छात्र भाइयों ने डीएलएड किया हुआ है, और इसके बाद हम लोगों ने सीटेट क्वालिफाइड किया हुआ है। इशू ये है मैडम कि राज्य सरकार बहुत जल्द जो है, कल राज्य के जो शिक्षा और साक्षरता मंत्री जगन्नाथ जी हैं, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में 26 पदों पर प्रथम चरण में शिक्षकों की बहाली होगी, और नियम यह है कि इसमें वही छात्र जो हैं पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने बीएड और डीएलएड करने के बाद जेटेट पास किया हो। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राज्य गठन के तकरीबन 22 वर्ष हो चुके हैं, और इन 22 वर्षों में मात्र अब तक दो बार 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई है। अब सोचना सरकार को यह चाहिए कि 2016 के बाद जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं झारखंड के, जिनकी संख्या तकरीबन 5 से 6 लाख हैं, ये लोग करेंगे क्या? अपने साथ ये पूरा एक ज्ञापन लेकर के आए हैं, ये पूरा लेटर, इसमें क्या कुछ लिखा गया है आप थोड़ा बताएंगे संक्षेप में? जी, हमारे पास ज्ञापन है, उसके अलावा हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं कि सीटेट किस तरीके से लागू होना चाहिए यहाँ पर, उसको लेकर आए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो सवाल उठाया था हम लोगों के ऊपर कि सीटेट अगर झारखंड में लागू होगा तो बाहर के बच्चे झारखंड में घुस जाएंगे, सरासर गलत षड्यंत्र है ये, क्योंकि हमारे पास यह देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने जो 2022 में नियमावली बनाई है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग का जो झारखंड में जो शिक्षक बनने के लिए होंगे उसमें जो है 10वीं और 12वीं जो है झारखंड से ही होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने झारखंड से ही 10th 12th किया है, वही लोग झारखंड में इसमें सीटेट वाले लागू हो पाएंगे। हमारा संघ का नाम है अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, अखिल झारखंड मतलब हम लोग झारखंड के बच्चे जो सीटेट उत्तीर्ण हैं उनका मांग कर रहे हैं, ना कि पूरे भारत का, तो वो लोग इस बात को समझें। इसके अलावा बोल रहे हैं कि जनजातीय भाषा का हमें नॉलेज नहीं है, या जितने बच्चे हैं इनको सबको पूछ लीजिए कि करके सब अपने जनजातीय भाषा में सक्षम है बात करने के लिए। इसमें क्या लिख कर उसमें हम लोगों ने तमाम तथ्यों के साथ में और मंत्री जी का कंसेप्शन दूर करने के लिए हम लोग आ जाए हुए हैं खतियान लेकर सबसे सर्वप्रमुख, कि आपकी जो गलतफहमी आप में व्याप्त है कि सीटेट की मांग करने वाले अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं, यह सर्वथा गलत है। इसके प्रमाण के लिए हम खतियान लेकर के आए हुए हैं, 1932 का आप देखिए, हम अपना वोटर कार्ड लेकर के आए हुए हैं, हम अपना देखा जाए तो राज्य में अभी तक 1932 खतियान लागू हुई नहीं है, और इसके बावजूद बाधा जो आप कह रहे हैं कि एक
तरीके से यहाँ पे बाधा डालने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि जनजातीय भाषा की जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोगों को रोका जा रहा है, यही कहने का मतलब? जी जी, जनजातीय भाषा का जो जिसके बारे में बात की जा रही है उसका मैं सरासर खंडन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें साफ सा जो सिलेबस बनाया गया है मुख्य परीक्षा में हम लोगों को बैठ करके हम लोग मुख्य क्षेत्रीय जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है इसका जो JSSC परीक्षा लेगी जिसमें सभी लोग बैठेंगे, जो JTET उत्तीर्ण है वो भी बैठेंगे, और हम लोग को अवसर मिला तो हम लोग भी बैठेंगे, तो हम लोग को तो बैठने ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ देखिए, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में जो प्रश्न है वो 70 प्रश्न आएंगे, इसमें भी आप पूर्णांग उसका 70 होगा और 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, ये इंटर स्तरीय है। और जो 6-8 होगा इसमें स्नातक प्रशिक्षित सहायक है, इसमें जनजातीय भाषा का 100 क्वेश्चन आएंगे, और यह परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा जो होगी वो 3 पालियों में ली जाएगी, जिसमें क्षेत्रीय भाषा का भी नॉलेज, भाषा का भी नॉलेज, इसके अलावा जो GS का नॉलेज होता है, साइंस का नॉलेज होता है, वो भी टेस्ट की जाएगी। तो किस प्रकार से हम लोग जनजातीय भाषा का टेस्ट तो अगले परीक्षा में देंगे ना, तो अवसर सही अगर हम लोग को वंचित कर दिया जाएगा तो हम लोग अपना योग्यता प्रदर्शन कैसे करेंगे? हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे आपसे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इसमें एग्जाम में बैठने का अवसर दिया जाएगा, योग्यता हम लोग अपना खुद साबित कर लेंगे, बस बैठने का मौका दीजिए। आप लोग 50,000 शिक्षक जो बहाली करने वाले हैं और 50,000 टेट पास हैं, और अभी जो 26,000 ला रहे हैं उसमें उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा, तो यहाँ पर कहाँ से कंपटीशन हुआ? एक बच्चा जो है एक सीट ले लेगा। हम लोग इतने सारे बच्चे हैं जो अभी हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है, लगभग 5 लाख बच्चे इसमें से प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग झारखंड में जो JTET परीक्षा है उससे कहीं ज़्यादा कठिन परीक्षा, भारत की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सबसे कठिन परीक्षा जो होती है जिसको CTET परीक्षा बोली जाती है, उसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो CTET परीक्षा अगर हम लोग क्वालिफाई हैं तो कहीं ज़्यादा हम लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो डिजर्विंग को नहीं लेकर के अनडिजर्व को अगर आप आगे कर दीजिएगा और डिजर्विंग को हटा दीजिएगा, हम लोग विरोध किसी का नहीं करते हैं। अनडिजर्व से क्या संदर्भ है आपका, मतलब किस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है? बोल देता हूँ, अनडिजर्व कहने का इनका तात्पर्य है कि कुछ अभ्यर्थी वर्ग ऐसे हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और शिक्षा विभाग में ये मिसकंसेप्शन डालने में सफल हो गए हैं कि CTET में स्थानीयता भाषा का कोई पेपर नहीं होता है, जबकि JTET में 30 अंकों का स्थानीयता भाषा का पेपर होता है। ये बिल्कुल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया उनके द्वारा कुकृत्य है, और इसका खंडन करते हुए हम लोग इसको साफ करना चाहते हैं कि चाहे JTET हो या CTET हो, दोनों मात्र अर्हता जाँच परीक्षा है, एक तरीके से इसे PT कह सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम से, और इसके बाद हमें मेंस से गुजरना होता है। अब चूंकि हम लोग CTET पास कैंडिडेट्स हैं, हम लोग सरकार से यह अवसर की मांग कर रहे हैं कि आप जो बहाली ला रहे हैं उसमें JTET पास की अनिवार्यता आपने तय की हुई है, आपने 6 साल से JTET लिया नहीं है राज्य में, तो किस आधार पर आप हमें वंचित कर रहे हैं? या तो आप तत्काल में JTET लीजिए, और अगर JTET लेने में आप असमर्थ हैं, जो कि हमें भी लगता है, चूंकि राज्य सरकार को तत्काल बहाली करवानी आवश्यक है, राज्य के विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है, तो इसलिए आप CTET को वैलिड करते हुए, CTET को एज PT एग्जाम कंसीडर करते हुए आप हमें मेंस में मौका दीजिए। मेंस में पूरे 100 अंकों का स्थानीयता भाषा का प्रश्न है, हमें स्थानीयता की स्थानीय भाषा की ज्ञान है कि नहीं, ये तो वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना। जो कैंडिडेट स्थानीय भाषा के 100 प्रश्न हल करेंगे, मुख्य परीक्षा के 250 प्रश्न हल करेंगे, मेरिट में आएंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी। इस तरीके से फेयर कंपटीशन होगा, और इसका फायदा सरकार के साथ साथ विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को होगा, क्योंकि फेयर और जो है अच्छे योग्य शिक्षक उन्हें मिल पाएंगे। ठीक है, आगे भविष्य की बात जो होगी ठीक है, लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री आए नहीं है, आप लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? अगर शिक्षा मंत्री आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर किस तरीके से आगे आप लोग क्या डिसीजन लेंगे, क्या रणनीति तैयार करेंगे? मैडम आप देख ही रहे हैं, झारखंड में जितनी भी नियमावली बनती है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में फंस जाती है, क्योंकि उसमें गलत नियम आनन फानन बना देते हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि NCT जो होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, उसके आधार पर ही जितने भी शिक्षकों के जो ज्वाइनिंग कराना है या फिर टीचर के लिए बहाली करना है वो सिलेबस तैयार करता है, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करके स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है। उसमें साफ साफ मेंशन है कि हम लोग जब भी आप परीक्षा लेंगे उससे पहले यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट सर्टिफिकेट, इसमें लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, हर साल एक परीक्षा टेट की होनी चाहिए। अगर ये चीज़ लेकर हम लोग कोर्ट में चल जाएंगे तो फिर मामला फंसेगा कि नहीं? बिल्कुल फंसेगा, फिर 5 साल नौकरी हम लोग को फिर पेचीदा फंस जाएगा और कोई नौकरी हम लोग को मिलेगा नहीं। और जितने लोग अभी 2016 वाले CTET की परीक्षा कब हुई थी? CTET की परीक्षा अलग अलग, प्रत्येक साल 2 परीक्षा होती है CTET की, जो है एक टेट परीक्षा है, और टेट परीक्षा प्रत्येक सरकार को प्रत्येक वर्ष कराना होता है। NCT का ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन हम आपके सामने दिखा रहे हैं, केंद्र सरकार इस पर अमल करती है, प्रत्येक वर्ष करवाती है, राज्य सरकार जो है इसको इस पर नहीं करवाती है। अब चूंकि आपने हमसे अभी पूछा कि आगे की आपकी क्या रणनीति है, देखिए अभी तक हम लोग याचना पिटीशन के
के कंसर्ट पे काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले हमारे भाइयों ने, हम लोगों ने, हमारे संघ ने माननीय मुख्यमंत्री राज्य के जो मुखिया हैं इनसे हम लोगों ने मुलाकात किया और उन्होंने हमें स्पष्ट आश्वासन दिया कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। और जबकि अन्याय किया जा रहा है तो ये याचना का हमारा अंतिम प्रयास है और इसके बाद हम लोग तैयारी हम लोग कर चुके हैं और आपके माध्यम से कहना भी चाहेंगे पब्लिक डोमेन में कि हम लोग की ओर से तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोग हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दें।